नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूँ आपके साथ नेहा, जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा में। जी हाँ लोगों, ये वही डेरा सच्चा सौदा है जो जाना जाता है बाबा राम रहीम के नाम से। लोगों से जुड़े हैं, जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम, क्या नाम है मामा? दर्शना देवी। दर्शना जी, आप डेरे से कब से जुड़े हुए? मेरे को हो गए कोई कम से कम 30 साल हो गए। 30 सालों से आप, कितनी बड़ी बात है, 30 सालों से आप डेरे में जुड़े हो, लेकिन आज भी डेरे में आए। तो जो मीडिया ने बताया डेरे के बारे में, क्या था वो? हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। हम तो आते हैं यहाँ पर ही हमारी शांति मिलती है। अब भी आते हैं तो हमें यहाँ पर ही शांति मिलती है, और कहीं चले जाएं हमें शांति नहीं मिलती है। हम तो कहते हैं भी जो भी पिताजी पर रोग लग गया, हमारा तो भगवान है। हमें सच नहीं आता, दुनिया कुछ भी कहता रहे, हमें नहीं सच आता, ना सच है। जो गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य करवाए थे दर्शना जी, तो वो आज भी आप मान रहे हैं? हाँ जी मान रहे हैं। आज भी वो सफाई अभियान जो भी गुरुजी ने चलाए थे वो कर रहे हैं? हाँ। तो आपका इतना विश्वास गुरुजी के प्रति क्यों है? गुरुजी है ही विश्वास के लिए। पिताजी जो कुछ भी है, सब कुछ है, वो ही है। और दुनिया ने वैसे ही इनके लिए पता नहीं अब क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्या इनके। हमारा तो मन नहीं करता, हम तो आते हैं ना यहाँ पर ही शांति मिलती है। हमको ऐसे लगता है कि हमारा गुरु है, हमारा पिताजी यहीं पर है। आपके परिवार में से कौन कौन जुड़ा हुआ है? हमारा पूरा परिवार जुड़ा है। ये आज भी डेरे में आ रहे हैं? हाँ, आगे भी आते रहे। आते। तो आप चाहते हो गुरु जी को डेरे में होना चाहिए? हाँ। तो क्या हो जाएगा अगर गुरु जी कल को डेरे में आ भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा, दुनिया में बहुत बड़ी खुशी आ जाएगी। जो आ रही है बीमारियां, आ रही हैं कोरोना है और है, हम ये चाहते हैं हमारा गुरुजी आ जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छी अच्छी होएगी। जैसे हमारे लिए तो सतयुग आ जाएगा। यहाँ पर लड़कियां अपनी बेटियां मानता है, अपनी बहन मानता है, आपका जो बड़ा उनको माता मानता है, हम अपने गुरुजी को हमारा पिताजी मानते हैं, और है भी वो सभी के लिए है। हम तो अब आज यहाँ पर आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा गुरु यहीं पर है, जो से मालिक ने देख कैसी छाया कर रखी है, और हमें नहीं लगता हमसे दूर है दुनिया के कुछ भी हो जाए। हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। गुरु जी ने बेरोजगारों के लिए क्या किया? सब कुछ किया है। जैसे किसी के पास मकान नहीं है, कोई विधवा है, कोई लाचार है, उसके लिए लाज करना, मकान बनवाना, सब कुछ ही कराया गुरु जी ने। ऐसी सेवा जो बड़े बूढ़े आदमियों की घर पर नहीं होती, घर वाले हैं वो भी छोड़ देते हैं, पर यहाँ पर आएगा जो बडेरा आदमी है, बुजुर्ग है, उनकी यहाँ पर सेवा होती है बहुत ज़्यादा, अपनों से भी ज़्यादा करते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ जी, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से ये करना चाहते हैं, हमारा जो मिसी है, हमारा पिताजी है, हमारा गुरु जी है, हमारे साथ यहाँ पर होना चाहिए। वैसे तो हमारे दिल में है, पर हमें ऐसा लगता है भी यहाँ पर होए तो बहुत ही अच्छा हो। ये बीमारियाँ आती हैं ना, ये खत्म हो जाए। जब से पिताजी गए हैं ना, कोई बीमारी नहीं थी हमें, जब से गए हैं। आज ये कोरोना हो गया, आज ये हो गया, आज घरों में भी इतना लड़ाई झगड़ा होने लग गए, आप शरीर में नहीं तो कुछ भी नहीं थे, बहुत शांति थी। बहुत बहुत तो देखिए, ये वो लोग हैं जो बार बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा में, बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा था बिल्कुल सही हो रहा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। तो आखिर क्यों उन लोगों ने गलत बताया, क्यों 4-5 सालों में डेरे के बारे में इतना गलत बताया गया? अगर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सच की आवाज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। द फैक्ट टाइम चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद।